तो देखिए साथियों, बहुत तेज जल का बहाव है जो आप देख पा रहे हैं कि एकदम शुद्ध जल गंगोत्री से सीधे हरिद्वार होते हुए, और ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बड़े भक्त लोकेश, ये पूरी टीम जो कि यहाँ पर आई हुई है आज, सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए। माँ गंगा की अविरल धारा आप सीधी देख रहे हैं, और इधर इधर आप देखेंगे कि 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस समय हरिद्वार का, और अलाव जला नहीं सकते, तो हम जो साथ लाए हैं गैस सिलेंडर, और हम उस पर बना रहे हैं चाय, और साथ में आप देख रहे हैं ठंड के प्रकोप से बचने के लिए कैसे सभी लोग हाथ सेक रहे हैं। जो बाष्प होती है पानी गर्म करने के बाद जो भाप आती है उससे ही, ये देखिए हमारे लोकेश भाई हैं, ये चीनी ले आए हैं, और साथ में दूध भी है, और दूध के साथ ये रही ताजमहल चाय, ये आप देख रहे हैं भूपेंद्र भाई दिखा रहे हैं ताजमहल चाय को। पवन भैया ठंड लग रही है क्या? ठंड बहुत ज्यादा है, और ठंड बहुत ज्यादा है, और यहाँ अलाया तो नहीं है, लेकिन अलाये का पूरा काम कर रहा है हमारा ये पानी का गरम भगोना। तो देखिए यहाँ पर गरम गरम भाप से हाथ मुँह ऐसे सिक रहे हैं जैसे किसी अलाई पर। साथियों ये डल गई चाय ताजमहल, और ये ये देखिए कड़क चाय बनाने के लिए थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा दी है, और साथ में आप अदरक देख रहे हैं, और ये चाय बनाने के लिए अदरक कुटता हुआ। सर्दी में गर्म करने की दवा है अदरक। चाय को स्वादिष्ट बनाने के लिए ये पड़ रही इलायची, ये डली चीनी और इलायची। ये देखिए एक चाय को बनाने के लिए 4 से 5 लोग देखते हैं, 4 से 5 लोगों का मिक्सर कितनी अच्छी चाय को बनाता है। चलो पहले आग डाल लो, हमें जबरदस्ती तारीफ चल रही तो साथियों अब हम ऋषिकेश के राजा जी पार्क में पहुंच चुके हैं, जिसे हम राजा जी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। टाइगर रिजर्व है, हाथी भी देखने मिलेंगे और चीता भी देखने मिलेंगे। टाइगर आपको पता ही है, शेर वगैरह ये सब जंगलों में होती है, और ये रही हमारी मिनी बस जो कि बहुत ही सुंदर बस है, चलाने में भी अच्छी है और चलने में भी अच्छी है।